आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार। नमस्कार, प्राइम टीवी में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ शिखा मेहरोत्रा। शुरुआत करते हैं 5 मिनट में 25 खबरों की। केरल में बेकाबू हो रही कोरोना की रफ्तार, 24 घंटे में 54,000 से ज्यादा नए मामले आए सामने। दिल्ली से लेकर बिहार और जम्मू तक फिर बदलेगा मौसम का मिजाज, 3 फरवरी से बारिश की संभावना। बीटिंग रिट्रीट समारोह आज, 1,000 स्वदेशी ड्रोन शो आयोजन करने वाला चौथा देश बनेगा भारत। पीएम मोदी के साथ परीक्षा पे चर्चा के लिए अब 3 फरवरी तक करा सकेंगे रजिस्ट्रेशन। जेपी नड्डा ने सपा प्रमुख अखिलेश यादव पर साधा निशाना, देश के विभाजन और जिन्ना को लेकर कही बात। उत्तर प्रदेश विधान परिषद की 36 सीटों के लिए चुनाव की तारीखों का ऐलान, 2 चरणों में होंगे इलेक्शन। मतदान के दिन रहेगा सार्वजनिक अवकाश, सरकारी कार्यालय, बैंक और कोषागार रहेंगे बंद। भाजपा कार्यकर्ता की टिप्पणी से भड़के रालोद कार्यकर्ता, पुलिस ने कराया शांत। सपा ने जारी किया 10 सूत्री संकल्प पत्र, सत्ता में आए तो किसान को ब्याज मुक्त कर्ज मिलेगा। सातवीं जीत के लिए इस बार मंत्री डॉक्टर सतीश चंद्र द्विवेदी से भिड़ेंगे पूर्व विधानसभा अध्यक्ष माता प्रसाद पांडे। यूक्रेन पर रूसी आक्रमण होगा, भयानक संघर्ष को टालने में ही भलाई। पाकिस्तान की मदद के लिए फिर आगे आया चीन, इस बार बनाएगा अंतरिक्ष केंद्र। ब्लॉगर अहमद वकास कोराया हत्या मामले में ब्रिटिश पाकिस्तानी शख्स दोषी, यूके कोर्ट का फैसला। पाकिस्तान में जिहाद के लिए चंदा एकत्र करना देशद्रोह जैसा अपराध, लाहौर हाई कोर्ट का अहम फैसला। पिट्सबर्ग में पुल ढहने से 10 लोग जख्मी, राष्ट्रपति बाइडेन ने किया मुआयना। आईसीसी का सख्त फैसला, जिम्बाब्वे के पूर्व कप्तान ब्रेंडन पर लगाया 3.5 साल का प्रतिबंध। पटना पायरेट्स का धमाकेदार प्रदर्शन, थलाईवाज को दी करारी शिकस्त।
कोविड 19 मामले बढ़ने के बावजूद आईसीसी महिला विश्व कप के कार्यक्रम में नहीं होगा बदलाव। धमाकेदार फॉर्म में टीम इंडिया, बांग्लादेश के खिलाफ पिछले फाइनल की हार का बदला लेने के लिए उतरेगी टीम। आईपीएल 2022 की नीलामी के लिए पहली बार भूटान के खिलाड़ियों ने किया रजिस्टर, धोनी से हुई थी मुलाकात। जानवी कपूर जल्द करेंगी साउथ फिल्म इंडस्ट्री में डेब्यू, जूनियर एनटीआर के साथ मचाएंगी धमाल। सारा अली खान पहुंचे कश्मीर, बर्फीली वादियों में दोस्तों संग जमकर की मस्ती। सत्ते पे सत्ता की रीमेक से चूके ऋतिक, अब खेलेंगे पत्तों का खेल, बने रमी सर्किल के ब्रांड एम्बेसडर। ब्रेकअप के एक महीने बाद सुष्मिता सेन ने रोहमन सहवल से मुलाकात की, साथ में की पार्टी। आमिर खान की बेटी आयरा खान का मजाक उड़ाना, ट्रोलर को पड़ा भारी, सोना महापात्रा ने जमकर लगाई लताड़। पांच मिनट की 25 खबरों में फिलहाल इतना ही, तमाम खबरों के लिए देखते रहिए प्राइम टीवी। आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार।